उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप रमजान, होली एवं ईद उल फित्र के त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी बरेली द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा को अमली जामा पहनाने के उद्देश्य से आज थाना सीबीगंज क्षेत्र के महेशपुर इलाके में संजय कुमार यादव एफएसटी मजिस्ट्रेट नेतृत्व में थाना सीबीगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र के पार्षद इकबाल बिल्डर के साथ महेशपुर के संभ्रांत नागरिकों एवं क्षेत्र के सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक व्यक्तियों से सभी त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से आपस में मिलकर मनाए जाने का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार की मंशा है कि सभी धर्म के लोग एक दूसरे के त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने में सहयोग करें। सरकार की इसी मंशा को जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचाने के लिए आज संजय कुमार यादव ने क्षेत्र में भ्रमण कर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। इस अवसर पर हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए संजय कुमार यादव ने बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं संजय कुमार यादव हूँ, एफएसटी मजिस्ट्रेट हूँ सीबीगंज थाने में। आज यहाँ पर किस संबंध में आना हुआ महेशपुरा? आज मैं महेशपुरा में आया हूँ यहाँ होली और चुनाव के मद्देनजर व्यवस्था को देखने के लिए और पार्षद साहब से मुलाकात करने के लिए, क्या स्थिति है आपके यहाँ, व्यवस्थाएँ चाक चौबंद है कि नहीं है। इस चक्कर में जो है यहाँ की शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यहाँ के लोगों को निर्देश देने के लिए आया हूँ। क्या थाना सीबीगंज क्षेत्र में ये अभियान चल रहा है या? नहीं नहीं, ये अभियान जो है पूरे माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर पूरे हमारे ज़िले में चल रहा है। हर जगह जो है मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, सब होली और चुनाव के मद्देनजर हर जगह जो है शांति व्यवस्था बनाने की अपील की जा रही है। विशेष तौर से उन जगहों पर जो है कार्य हो रहा है जहां पर मिली जुली आबादी है। हाँ, जहां पर मिली जुली आबादी है, कुछ ऐसे सेंसिटिव ग्राम सभा या क्षेत्र हैं जहां पर निर्देशित किया गया है, तो वहां पे अपील कर रहे हैं कि होली और चुनाव के मद्देनजर आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रहिए। किस तरीके का माहौल आपने देखा है अब तक? माहौल जो हमने देखा है वो मिला जुला माहौल है, कोई कहीं किसी तरह से अवैध या अप्रिय सूचना अभी नहीं मिली है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि होली और चुनाव शांतिपूर्वक निपट जाए। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? लोगों को यही संदेश देना चाह रहे हैं कि ये जो चुनाव है और होली के अवसर पर आप लोग जो है सौहार्द व्यवस्था बनाए रहिए, शांतिपूर्वक तरीके से होली बिताइए और समाज का और लोगों का सहयोग करिए। थैंक यू।